अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छाला तां सबनी जो ठीक आयो, खुश आयो, खैरियत सा आयो। मां उम्मीद थी क्या तां सबई ठीक हुंदा, खैर ऐं खैरियत सा हुंदा। तां जे पांजे पसंद जे प्रोग्राम कैफे सिंध में मां तां के भलीकार चवां थी, ऐं मूसां गॾु आहे खूबसूरत शेफ, शेफ महवीन, तव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां नई रेसिपीस के साथ, स्पेशली सेरियन जी तरकीब। वाह वाह, ये आहिस्ता आहिस्ता कंदे जिवरन महरीन सिखी वे थी। महरीन चवे थी त हाणे सर्दियूं थियूं हलनि, सियारे जी मौसम आहे, त अॼु स्पेशल सियारे जे हवाले सां मूं वटि रेसिपी आहे, उहा मां तव्हांखे सेखारींदसि, हा न महरीन? बिल्कुल बिल्कुल, माना हीअ जेका तव्हां रेसिपी ठाहियो था स्पेशली सियारे में माण्हू खाई सघे थो। बिल्कुल, हम जो सर्दियों में जो हमारी ख़ासि रेसिपीज़ होती हैं हम वो ही बना रहे हैं, और बेसिकली जैसे ज़्यादातर लोग यखनी का सूप पीते हैं या गरम चीज़ें खाने की खाते हैं सर्दियों में, तो ये भी गरम डिश है। और ये जो है ज़्यादातर हमारी डिश का जो नाम है वो है अरेबियन चिकन खापसा। अब हमारे यहाँ जैसे फेमस है बिरयानी, तो अरब ममालिक में जो है ये खापसा बहुत ही मशहूर डिश का नाम है, जो कि होती भी बहुत मज़ेदार है। जी आसमा, खापसा अरेबियन डिश आहे, पर पाकिस्तान में घटि अरबी मुल्क में ॾाढी हीअ डिश खाधी वेंदी आहे, छो त तव्हां ख़बर आहे तक़रीबन सऊदी अरबी में राइस तमामु घणा माण्हू खाईंदा आहिनि, मटन हुजे या बीफ या चिकन, हिकिड़ी वॾी हुनजी प्लेट हूंदी आहे जंहिंमें विच में ईअं पंहिंजो मटन रखियल हूंदो आहे, मज़ेदार हूंदी आहे। तव्हां सोचींदा हूंदव त हीअ डिश छा आहे, कीअं ठहंदी आहे, त अॼु असांजे प्रोग्राम में बि ईअं ई, छो त हमेशह महरीन कुझु स्पेशल ठाहींदी आहे ऐं कुझु मुख़्तलिफ़ ठाहींदी आहे, त अॼु बि कुझु स्पेशल आहे, त महरीन खां हीअ रेसिपी असां पुछंदासीं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं ऐं केतिरे केतिरे मिक़दार में हीअ हिन में शामिलु थी थियनि रेसिपी में। जी महरीन, त आप रेसिपीअ में बताएं। बिल्कुल, अरेबियन खापसा बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले इसकी ख़ास बात यह है कि एक किलो हमें चिकन चाहिए, और लेकिन चिकन हमें बग़ैर स्किन के नहीं चाहिए, उसकी स्किन के साथ चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी मैंने स्किन नहीं उतारी है आसमा। अच्छा, और इसको मैंने जो है ना चिकन को जब आप लेंगे तो उसको दो हिस्सों में कट करवाएं, पूरा मत बनवाएं। ठीक है, ये आधी आधी उसको बोलें, एक चिकन के दो हिस्से कर दें। हाँ, स्किन के साथ। ठीक है, मुर्गी जब हिस्सा करायो ऐं पर हो जे उनजी जेका स्किन हूंदी आहे मथी खल हूंदी आहे उन सां गॾु सिर्फ़ खंभ वग़ैरह इहे सभु निकिरी वेंदा, पर जेका मथी उनजी अक्सर करे मुर्गी वारा उनजी खल सॼी लाहे छॾींदा, त स्किन उहा लाहिणी न आहे। या अच्छा, अब उसके बाद हमें चाहिए आधा कप घी। ठीक है, और क्योंकि सर्दियां हैं तो हमें ख़ास वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि सर्दियों की रौनक हैं। ठीक है, उसके साथ हमारे पास है ये 3 से 4 टमाटर की पेस्ट है, चार टमाटर का पेस्ट है। अच्छा, एक हमारे पास बड़ी प्याज है, हमने इसे चॉप कर लिया है। फिर हमारे पास है अदरक और लहसुन 2-2 खाने के चमचे, हल्दी हसबे ज़रूरत डालेंगे, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा डाल सकते हैं या कम खाएं तो कम डालें। फिर हमारे पास है इलायची पाउडर 1/2 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चमचा, रंग हसबे ज़रूरत जो ऐसे हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, धनिया पाउडर है हमारे पास यहाँ पे 3 खाने के चमचे, और ज़ीरा है हमारे पास 1/2 चाय का चमचा साबुत, और पाउडर भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून टमाटो केचप है। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं, टमाटो प्यूरी नहीं है तो टमाटो केचप भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये खड़ा मसाला है, 2 तेज़पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंग है, लौंग है हमारे पास तकरीबन 10, और तेज़पत्ते 2 हैं, और सिनेमन स्टिक जो हमारे पास वो होती है वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, जी हमारी रेसिपी की ये चीज़ें हो गई हैं आसमा कंप्लीट, अब बनाना शुरू करते हैं। जी, जेके शयूं हिन में शामिलु थियनि थियूं रेसिपी में, महरीन तव्हांखे ॿुधाए वई आहे त कहिड़ी कहिड़ी शइ आहे ऐं केतिरे केतिरे मिक़दार में हिन रेसिपी में शामिलु थींदियूं, त सभ खां पहिरियां असां रिपीट कंदा आहियूं ऐं त जीअं तव्हां ॿुधी सघो, ऐं असां आख़िर में बि तव्हांखे ही सभु शयूं ॿीहर ॿुधाईंदा आहियूं, त महिरबानी करे तव्हां ही सभु शयूं नोट कंदा कयो ताकी तव्हांखे पचाइण में आसानी थिए और बनाए अपना संडे मज़ेदार। संडे हूअं ई मज़ेदार हूंदो। तव्हांजो संडे कीअं गुज़रंदो आहे हिन प्रोग्राम खां अलावा? मुंहिंजो संडो सोते मां मुंहिंजो संडो आचर जो ॾींहुं आचर शाम में ना
यार क्या क्या पूछ रही थी मैं, क्या क्या बता देती हूँ। संडे का दिन कैसा गुजरता है? मैंने बताया ना, माँ संडे सोते हुए गुजरा भाई, संडे तो सुबह सोते हुए गुजरता है ना, लेकिन सोने का मकसद ये नहीं है कि आप देर तक सो रहे हैं, सोने का मकसद ये है कि आप थोड़ा मतलब मेरा देर पूरी ज्यादा 9-10 बजे तक होता है, अल्लाह से 12-1 बजे, 1 बजे नहीं होता क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठने वाली बंदी हूँ। अच्छा हम डालेंगे अब इसमें ऑयल, आधा कप घी। घी अच्छा ऐसा घी था इस्तेमाल किया हूँ इनमें। अच्छा घी से क्या टेस्ट आता है या ये मस्ट है? देखें घी एक तो हेल्दी होता है, अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें जो जाहिर सी बात है इसकी गजाइत और खुशबू जो है वो तेल से अलग होती है। अच्छा और अच्छा, ये आपकी बॉडी को थोड़ा गर्म रखता है। अच्छा, जैसे हम लोग मोस्टली पराठे उसमें उसके फ्लेवर के लिए भी हमें चाहिए होता है, तो हम लोग एक जब पराठे खाते हैं स्पेशली तो हम ऑयल नहीं यूज करते नहीं, हम जब करते हम मीठा हाँ। बनाते हैं तो हम ऑयल यूज नहीं करते नहीं, क्योंकि उसकी बात अलग होती है, उसकी खुशबू अलग होती है। अब इसमें हम डाल रहे हैं तेज पत्ते, इसमें लौंग और दालचीनी, अब हाँ। हमारी दालचीनी हमने जरा तोड़ फोड़ दी है, पूरी आसानी करें विधि थे, ठीक है सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो असान प्रोग्राम से गड आचर जो डी आचर जो डी तीन फैमिली से एंजॉय कर सोता मज़ेदार ये रेसिपी घर वेठे ही सीखी सोता घर में ट्राई कर सोता। उम्मीद थी क्या तो इन प्रोग्राम के तुम्हारा हूँ ऐं तव्हां पंहिंजे दोस्तनि सां बि शेयर कंदा हूंदा ऐं तव्हांजी फीडबैक असांखे मिलंदी रहंदी आहे। ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॾिसंदा आहियो ऐं असांखे कमेंट्स ॾींदा आहियो यूट्यूब ज़रिए या असांजे फेसबुक ते जेको पेज आहे KTN एंटरटेनमेंट जो, उन जे ज़रिए तव्हांजी मुहबत असांखे मिलंदी आहे त असां दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा। अच्छा हमें ये भी बताया करें कि जैसे बड़ी आप लोगों की बड़ी अच्छी सिंधी रेसिपीज़ भी हैं, हाँ। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई हम अपने शो में बनाए तो हाँ। हम वो भी बना सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल था फरमाइश करे सको था। अच्छा अभी हमें एक फरमाइश हुई थी, अच्छा गाजर का हलवा बिल्कुल आने वाला है, ओहो जल्दी आएगा जबरदस्त, नेक्स्ट कोई भी संडे असांजो हाँ आने वाला है बिल्कुल। अच्छा अभी हमने मैंने इसमें जो हमारी प्याज थी वो डाल दी, इसको हम बोलते हैं बसर, बसर तो घना हुआ बसर, घना हुआ बसर। मैं इस मामले में ना तोता हूँ, वो आप जो बोलेंगे मैं बोल दूंगी। अच्छा बड़ा अच्छा बोलती हैं आप यकीन करें, और जो है ना हमारे जो फैन हैं वो बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा जब आप बोलती हैं ना तो वो मुझे कहते हैं कि आप सिंधी में से बात किया करो, ये सिंधी में जवाब दे तो ये बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा सच में बहुत शुक्रिया, मैं सिंधी में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। अल्लाह जैसे कि क्या क्या जैसा कि आसमा हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हाँ तो दाढ़ी सुठी दी लगी, हाँ दाढ़ी सुठी दी लगी, छा गले क्या, और उसको एक और भी वर्ड बोलते हैं आप लोग क्या, सोनी सोनी, और एक और भी बोलते हैं मतलब मैंने अभी मुझे किसी ने लास्ट प्रोग्राम भली दी लगी थी कि बड़ा अच्छा वर्ड है वो, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा देखिए इसको हमने करना है अच्छे से ब्राउन, ब्राउन अच्छा ठीक है, ताकि जो एक मसाले वाली जो वो आती है ना, क्योंकि आप सालन जब प्याज को थोड़ा ब्राउन कर देते हैं उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हमें जो चिकन के लिए और थोड़े चावलों के लिए जो हमें कलर चाहिए थोड़ा सा सुर्ख चाहिए, तो हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्राउन हाँ। करेंगे। अच्छा जब प्याज को जब भी आप ब्राउन कर प्याज के साथ आपको ब्राउन चाहिए हो प्याज, तो आपने उसको ना तेज आंच पे आपने उसको ब्राउन करना है, और जैसे ही आपको एक भी प्याज गोल्डन नजर आना शुरू हो जाए आप आंच हल्की कर दें तो वो बहुत अच्छी सुनहरी हो जाएगी, अगर आप आंच तेज रखेंगे बहुत देर तक तो वो जल जाएगी। अच्छा हलीम में भी ये होते हैं ना ऐसे प्याज हलीम हाँ। में कितने मजे के होते हैं, मेरी तो फेवरेट है प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और उसके साथ ऊपर नींबू हाँ पुदीना, फूदनो 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 मैंने मुझे ऐसा लगता है मैं फरफर सिंधी बोलूंगी और आसमा फरफर उर्दू बोलेगी। अच्छा मां उर्दू ॻाल्हाइण में ॾाढी मुश्किल थींदी आहे छो त ज़ाहिरी आहे मां ॼमी वॾी इन ई घर में थी आहे, त जिते असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजो ख़ानदान ऐं असांजो चैनल बि सिंधी आहे, जिते असां कमु कयूं था उहे बि सभु सिंधी आहिनि माशाल्लाह सां,
तो मुख्य थोड़ी मुश्किल लगंदी है जी वरी महरीन के मुश्किल थींदो आ सिंधी गालण में सो मुखे ता उर्दू से खा रहे हो हां मां तवा के सिंधी दी से खा रहे बिल्कुल बिल्कुल फिर मैंने जो है ना आसपास हो जाए भलीकार मां शेफ महरीन एंड आसमा भुट्टो तवा की खिदमत में हाजिर आ सिखी गई अच्छा और आजकल क्या हो रहा है लाइफ में लाइफ बहुत बिजी है भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे दिन कम पड़ जाते हैं और टाइम मतलब कम पड़ जाता है और काम बहुत है अच्छा तो खुद को टाइम नहीं दे पा रही आजकल आप मैं वाकई खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ और इतने ज़्यादा मेरे मैंने अपने आप को बहुत सारी जगहों पे बिजी कर लिया है कि जो है बस मेरी कोशिश होती है मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है और मुझे जल्दी 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 हालांकि मैं चाहती हूँ मेरी ये हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं बिज़ी रहूँ हाँ। ताकि कुछ टेंशन या कुछ मुख्तलिफ बातें होती है ना वो मुझे याद ना आए जो कभी कभी मुझे डिस्टर्ब करती हैं फजूल बातें मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे अपने काम में इतना बिज़ी रखे ताकि मैं कुछ फजूल ना सोच पाऊँ देखें आपको मैं बताऊँ सबसे अच्छा जो तरीका है ना जब भी आप फारिग हों आप अल्लाह को याद करें कुरान पढ़ें बेशक और उससे इतना दिल लगता है यकीन करें और आप आपको जो भी परेशानी है ना इंसानों से तो एक हद तक हम जाहिर सी बात है हमें जवाब चाहिए होता है सॉरी हमें जवाब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं हम बात करना चाहते हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं प्यूरी अच्छा जो असा पेस्ट छायो से टमाटर जो हाँ अस में शामिल किया बसर हल्का थोड़ा ब्राउन थी वाया हुआ ठीक है अच्छा अस खल लाथी हुई सी छिलका हमने उतारा था सब नहीं छिलका हमने नहीं उतारा था हमने इसको धो के हाँ। इसको दो हिस्से किए और हमारे पास जो ब्लेंडर होता है या चॉपर होता है उसमें आप इसको पेस्ट बना लें इसका ठीक है अब ये जैसे जैसे ये होगा थोड़ा सा हम इसमें फिर मसाले डालेंगे हमारे पास जो मसाले हैं अच्छा सन जी टमाटर जी खल को लाथी सी बस ब टमाटर उन्होंने ब हिस्सा करें असा इन जो पेस्ट ठाया उसे हल्दी जाएगी इसमें हेड हेड अध चमचो हेड अध चमचो सुखा दाना घना चमचा दो ब चमचा तीन खाने के चमचे ट्रे चमचा सुखा दाना ट्रे चमचा और लाल मिर्च गाढ़ा मिर्च एक चमचा एक चमचू हाँ और हमारे पास आ गया ये जी काली मिर्च कारा मिर्च कारा मिर्च आधो चाय जो चमचू ठीक है यार मैं बता रही हूँ ना बता रही यार टू गुड अच्छा ये हमारे पास है इलायची पाउडर सिंधी में इसको इलायची पाउडर बोलेंगे या इलायची पाउडर बोलेंगे नंडा पोटा और जो पाउडर आए हाँ इलायची पाउडर ये भी आधा आदरो चमचो आदरो सॉरी सॉरी भाई अच्छा तक नाजरीन खिलंदा भी हुंदा तक मजो भी इंदो हुंदो असानी कचहरी में ये अच्छा ये हमारे पास है जीरा साबुत जीरा है हां साबुत जीरो चमचा साबुत जीरो और अदरक लहसुन अच्छा ये ग्रीन क्यों है ये अदरक में थोड़ा सा होता है कि ये ग्रीन हो जाती है इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देना जिस वक्त आपने पीसा है हाँ। तो फिर ये नहीं होता है कलर चेंज हो जाता है वरना मैंने इसको डाई नहीं किया है अच्छा अच्छा ये पूरा ही डाल देंगे हम ये तकरीबन थूम है अदरक का जो पेस्ट दो है। से तीन खाने के चमचे कुटिया थूम है अदरक का है और ये लहसुन है लहसुन भी दो से तीन खाने के चमचे सही है थूम है अदरक कुटिया बखा टे चमचा वो इन्हें शामिल थी या सही है सही या अच्छा अब हम इसको करेंगे मिक्स और इसके साथ जाएगा जी हमारा नमक लूण लूण का स्वाद हर शे फिकी है नूण ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हो जाता है मसला क्यों कौन सा मसला ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है तो जो सॉल्टी चीजें होती हैं जो नमक वाली चीजें होती हैं तो उनको कम इस्तेमाल किया करें सही है जी असा सभी मसाला ऐड करे छड्या है मसालन के डाढो सुठे तरीके से मिक्स कयो है तो ये रेसिपी असानी तैयार थे पई ताजे पांजे प्रोग्राम कैफे सिंध में मैं उम्मीद थी क्या तो ता दिसंदा हुंदा असानी प्रोग्राम के एंजॉय कर रहा हुंदा
तवां जे पांजे प्रोग्राम कैफे सिंध मां शेफ मारीन मारीन अच्छा पर भी मां रेसिपी बुधायो अल्लाह त ईअं ई तव्हां भई फरमाइश करे सघो था माशाल्लाह सां महरीन तव्हांजी सभु फरमाइश पूरी कंदी जेका तव्हां असांजे प्रोग्राम में ॾिसणु चाहियो था त अॼु असांजे प्रोग्राम में छा पचणु खपे त मां महरीन खे चयो आहे त असांखे गजरुनि जो हलवो छो त गजरुनि जी हाणे सीज़न बि आहे माशाल्लाह सां ॾाढियूं मिठियूं मिठियूं गजरूं आयूं आहिनि त महरीन खे चवंदासीं त गजरुनि जो हलवो असांखे ठाहिणु सेखारे जी नाज़रीन ई असांजो प्रोग्राम जारी वसारी आहे असांजे हिन प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे नंढड़ी ब्रेक जो हलूं था ब्रेक जी तरफ़ काॾे बि न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन कैफे सिंध में एक दफ़ो बीहर तव्हांखे भलीकार छो त असां विया हुयासीं ब्रेक जी तरफ़ ऐं असांजी रेसिपी हुई कंटिन्यू ऐं हाणे असां मेरिन खां पुछंदासीं त हू छा शामिल कंदी अच्छा अब हमने मसाले अपने डाल दिए थे अब उसके बाद हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा भूना है थोड़ा सा इसमें से ऑयल आ जाए तो फिर हम ये चिकन डालेंगे अच्छा चिकन एक किलो आहे ऐं सिर्फ इन जा ॿ अध थियल आहिनि टुकड़ा ना आहिनि ऐं हिन मसाले में जॾहिं थोरो ऑयल मथां आयो त असांखे इहा सोच रखणु खपे त हीउ मसालो पची वियो आहे जॾहिं ऑयल मथे ईंदो आहे रेसिपी खां त सम्झणु खपे त असांजी हीअ जेका असां मसालो ठाहियोसीं उहो ठही वियो आहे ऐं माशाल्लाह पची वियो आहे अच्छा इसके साथ हमने जो टमाटो केचप लिया था टमाटो केचप वो डाल देंगे अच्छा ये आपने खुद कम रखी है जी ओके सही है अच्छा टमाटो केचप डाल दिया है अगर टमाटो केचप अवेलेबल नहीं है तो देखें ये ना इस रेसिपी के हिसाब से हमारे पास टमाटो प्यूरी चाहिए थी हमारे पास टमाटो प्यूरी नहीं थी तो मैंने इसमें टमाटो केचप ले लिया केचप हमें आसानी से मिल जाता है होता भी है लेकिन टमाटो प्यूरी जो टमाटो पेस्ट जो होता है ना वो नहीं होता अक्सर तो टमाटो प्यूरी तो हम घर में बना लेते हैं सही टमाटो प्यूरी ये होता है कि आप उसमें जो आपके टमाटर हैं आपने उसको अच्छी तरह उसको पीस लिया तो आपकी प्यूरी बन जाती है टमाटो पेस्ट में जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा होता है जैसे लहसुन अदरक होता है उसी गाढ़ा होता है ना तो इसी तरह वो होता है वो अलग से हमें टिन में मिलता है तो बाज़ वक़्त नहीं हो घर में तो कोई ऐसा मसला नहीं है बहुत कभी भी किसी रेसिपी में आपके पास एक दो चीज़ें कोई नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ नहीं है तो आप नहीं बनाएं आप वो बना लें कोई मसला नहीं है उसके साथ मिलती जुलती कोई चीज़ डाल दें और अगर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है अच्छा इसको हम अब थोड़ा तेज़ आंच पे बनाएंगे अच्छा भाई ऐसा घट कई हुई से थोड़ा मसाला पचाया से मुर्गी ऐसा ऐड कई से आई हाँ ऐसा भाई के थोड़ा बधायो है तो जी उनकी स्टीम ते उनकी तेज़ आँच से सुठे तरीके से चिकन असि पची वे तव्हां सोचींदा हूंदो त हिन में स्मेल वग़ैरह त न थींदी बिल्कुलु बि न थींदी छो त थूम अदरक ऐं हीअ सभु मसाला असां गरम मसाला सभु शामिलु करे छॾिया हुयासीं ऐं असां मुर्गी बाद में विधी आहे त हीअ बिल्कुलु बि हिनजी स्मेल न थींदी नई वरी इहा मुर्गी कची रहिजी मुर्गी में स्मेल इतनी होती बि न आहे गोश में स्मेल होती है क्योंकि गोश में जो उसका जो होता है एक्चुअली जब भी गोश बनता है ना तो उसमें होता क्या है कि वो फॉरन जो गोश होता है ना उसमें ब्लड होता है तो उसकी स्मेल होती है लेकिन आप जब गोश को थोड़ी देर रख देते हैं उसका ब्लड वगैरह निकल जाता है तो उसमें से स्मेल बहुत हद तक निकल जाती है अच्छा गोश्त आपको बीफ ज़्यादा पसंद है या मटन कौन सा आप ज़्यादा खाते हैं घर में मुझे मटन पसंद है मैं मटन भी बहुत कम खाती हूँ और बीफ तो बहुत ही कम खाती हूँ अच्छा वजह पसंद नहीं है नहीं, या नहीं पसंद है लेकिन बीफ मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है अच्छा तो मैं अवॉइड करती हूँ और बीफ बहुत हेल्दी नहीं होता है खाना अच्छा क्योंकि वो भारी होता है हैवी होता है ब्लड प्रेशर का भी मसला करता है ब्लड प्रेशर का भी मसला करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे में भी मसला करता है बाज़ लोगों को तो इसलिए मना करते हैं कि जिनको जैसे यूरिक एसिड है ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है तो आप वो मत खाएं सही चिकन भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए चिकन भी इतनी रोज़ के हिसाब से जैसे कहते हैं ना चिकन में ये बना लिया चिकन कढ़ाई बना ली चिकन के कबाब बना लिए फलाना नहीं आपने हफ्ते में दो दिन
तीन दिन सब्जी जरूर रखनी है, और सब्जी नहीं तो जैसे कढ़ी बना ली, अंडे आलू बना लिए, तो ये बड़े अच्छे रहती हैं चीजें, दालें बना ली, पुलाव बना लिया, दाल बना ली, हाँ पुलाव बना लिया, तहरी बना ली। मैं तो काफी अरसा हो गया मैंने घर में अपने चिकन भी नहीं बनाई है, और बड़े मजे से मैं कभी दाल बनाती हूँ, कभी सब्जियां बनाती हूँ, कभी बैंगन बना लेती हूँ, वो बड़ा अच्छा लगता है हटके कि आप खा रहे हैं ना कुछ सही। अच्छा कोई और रेसिपी है हमारी? अच्छा ये हमारी ना बड़ी रेसिपी है, इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी? हाँ टमाटर की चटनी। अच्छा इसमें मैं आप डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी, तकरीबन 1.5, ये थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालूंगी पानी, फिर उसके बाद मैं इसको और डालूंगी। मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा चिकन के साथ जो है ना अच्छी तरह से हो जाए, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। सही है। अच्छा जी ऐसा थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा कवर करे छे। अच्छा ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो गया, इसकी आंच कम कर देंगे। सही असा गैस थोड़ा बधायो हुए से तो जी चिकन असो सुठे तरीके से पची वे, तो माशाल्लाह से लगभग पची वो है। ठीक है इसमें अब हम और पानी डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें इसकी यखनी का फ्लेवर लाना है। अच्छा तो हम इसमें तकरीबन अच्छा, चावल हम इसी में ऐड करेंगे? हम इसी में ऐड करेंगे, लेकिन एक स्टेप और करेंगे इसमें, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी यखनी चाहिए। सही है? सही। बेचारी मुर्गी मुँह आंगुरी है, लेटी पैया ये मोल पैया, बड़ी शरीफ लगती है ये वाली मुर्गी ना मुझे, शरीफ आए बस सही, बस जो को बेचारी है छुरी खाने है, कटे छरे बेचारी पई होंगी, अल्लाह के जालिम मानू आयो था। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा हेरा खिलन बताओ भी मैं नमक डाल देंगे, थोड़ा लून। अच्छा लून के ता थोड़ो चक जो भी सही है तो थोड़ो वधी वने। हाँ तो हमेशा कोशिश कंदा कयो चावर था पचायो, बिरयानी था पचायो, या वाइट चावर पुलाव आए जिको बाए, तो हमेशा लून घट खाइंदा कयो, सेहत जे लाए घणो लून खाण सही ना है, कोशिश कंदा कयो लून जो इस्तेमाल घट रखो, ब्लड प्रेशर जो मसलो थींदो आए, स्किन जो भी थींदो आ, वजन जो भी थींदो आए, खोड़ सारियूं बीमारी थींदियूं आहिनि घणो लून खाइण जे करे। ठीक है अब हम इसकी आंच तेज कर देंगे, हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब हमने पानी डाला है। अच्छा ठीक है और हमने अब इसकी अच्छी तरह इसको थोड़ी देर पकने देंगे, मैं कल 10 मिनट आप इसको छोड़ दें। सही है अच्छी तरह। अब इसके साथ हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी, अरेबियन राइस के साथ टमाटर की चटनी लाजवाब लगती है, तो वो बनाएंगे इसके साथ हम टमाटर की चटनी। अच्छा टमाटर की चटनी ठाऊँ खासा छोटा सा पाँच प्रोग्राम में ब रेसिपी ठाईंदा हूँ, हीअ रेसिपी असांजी थोरी माशाल्लाह सां वॾी आहे, थोरी हैवी आहे, त इन जे करे असां उन सां गॾु ज़रूरी आहे का न का शइ हिक सां ॿी शइ असां ठाहींदा आहियूं, त इन जे लाइ अॼु असां टमाटर जी चटनी था ठाहियूं, त लाज़मी टमाटा त एड थींदा ई थींदा। लाई जी आसमा दे दे, घणा खपनि तव्हांखे टमाटा? टमाटा दे दो भाई, ये लो टमाटा, ये लो टमाटा। शुक्र है टमाटर मारे नहीं आसमान लाओ नहीं मैं मारती नहीं, फिर आप हमें कैसे खिलाती खाना? आजकल लोगों को मिर्ची बड़ी लगती है, वैसे ही लग जाती है, लगाता भी नहीं है कोई, फिर भी लग जाती है, ये बड़ा मसला है। हाँ ये होता है कभी कभी, हाँ अक्सर हूँ भी थींदो आहे, कुछ गालियों अड़ी होंदियों आहिनि जेके माण्हू पाण त चई वेंदा आहिनि पर ॿिए जूं गालियूं बर्दाश्त न थींदियूं आहिनि, जॾहिं तव्हां कंहिंखे कुझु चओ था त बर्दाश्त करण जी बि सह पहुचणु खपे, है ना मेरीन? जब आप ख़ुदि कुझु बोलते हो अगला बंदा सुनता है, और जब अगला बंदा बोलता है तो आप सुन नहीं पाते। वैसे भी मैं आपको बताऊं, क्रिटिसाइज जो है ना जब आप करते हैं किसी पे ना, तो अगर जेन्युइन हो, अगर सही हो तो करना चाहिए, वैसे अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो हमें तो कहती हूँ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हाँ क्योंकि आजकल मतलब कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी की बात। देखिए अगर आप अपने दोस्त अगर आपका कोई दोस्त है या आपकी कोई दोस्त है और आप उसको कुछ अच्छी बात बताना चाह रहे हैं और वो आपको पता है कि वो उसको सुन के अच्छी नहीं लगेगी, तो मेरा ख्याल आपका फर्ज है कि आप उसको जरूर बताएं कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये मत करो। हो सकता है बहुत सारे लोग उस बारे में अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन आप अगर बोलेंगे ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये नहीं करो, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त उसको बुरा लगे लेकिन बाद में उसके लिए वो फायदे वाली बात है। सही।
अच्छा मैंने अब टमाटर हमारे पास ज्यादा है तो मैंने क्या किया है कि उसको एक दफा पीस लिया। अब दूसरे टमाटरों के साथ ना हम ये डालेंगे अपनी मिर्चें, सावा मिर्च टमाटर बसर, सावा मिर्च टमाटर बसर एंड हिकड़ो प्याज, हिकड़ो बसर, हिकड़ो बसर, हिकड़ो बसर। अच्छा प्याज को भी बसर कहते हैं, हरी मिर्च को भी बसर कहते हैं? नहीं नहीं, इसको कहते हैं बसर, हरी मिर्च को कहते हैं ये सावा मिर्च, सावा मिर्च, हाँ सावा मिर्च, उगाड़ा मिर्च। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, हल्का थोड़ा पानी, पानी सा आराम सा पेस्ट ठही वेंदो, ग्राइंड थी वेंदो। अच्छा इसमें आप साथ साथ मैं मसाले भी डालती जाती हूँ, इसमें डाल दें साबुत जीरा, साबुत जीरो एक चाय का चम्मच। अच्छा रायतो भी तकरीबन यही ठहंदो आहे, ॾाढो सुठो थींदो आहे। हाँ और इसके साथ जाएगा हमारे पास नमक, लूण, सही थी हो जी। ये हम जरा ज्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा नमक जाएगा। असां मेहमान नवाज आयूं कैफे सिंध वारा, असां मेहमान नवाज आयूं, असां दस्तरखान ॾाढो खूबसूरत ठाहींदा आहियूं त जीअं असांजा सभु माण्हू ठाहिनि, ऐं महरीन बि इहो ई चाहींदी आहे त जेको बि मां पचायां थी माशाल्लाह सां सभु खाइनि ऐं ॾाढो इंजॉय कनि खाई करे। देखें जब आप ये चीज़ें खाना जब आप मिल के बैठ के खाते ना उसमें कमी नहीं होती, कमी नहीं, बरकत होती है बिल्कुल। तो जो है हमें खाना मिल बांट के खाना चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम हमारा ये नींबू का रस है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लीमे जो रस, सावा धाणा, जीरो, लूण, अस ये शूं में इस्तेमाल क्यों से शामिल क्यों हाँ अस पीसी चक्कर टमाटर मथे चुंबड़ी बीह रहा है हल्का तो हिला ले एक लगा ले हां एक हणी छियो चंबो अच्छा जी तकरीबन हन जी बाफ निकरे दी आगे ये हुंदो गोठन में त असां पंहिंजो पली जी बि चटणी ठाहींदा हुया नानाणनि में ऐं जीअं हिननि ठाही आहे साओ मिर्च बसर ये टमाटो इन्हनि जी बि चटणी थींदी हा न मानला थींदी न। अच्छा ये अभी मैं इसमें मजेदार जो प्याज है वो डाल रही हूँ। अच्छा अच्छा जी चटनी तकरीबन तैयार है जी, मेरीन तैयार है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है और ये बड़ी झटपट बनती है और जबरदस्त टेस्ट होता है इसका। और ये जो हमारे यहाँ जैसे बिरयानी और चावलों के साथ हम रायता खाते हैं ना तो वहाँ पे ना ये टमाटर की चटनी होती है, हमस होता है, जैसे वो पुलाव बनता है आलू का। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही ना, तो वो लोग ये पसंद करते हैं खाना। तो हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, मिक्स थी वही ऐडी सुठी मुझे लगे तो ऐडी सुठी तैयार थी। और जब आप ये खाएंगे चावलों के साथ तो आप यकीन करें मज़ा आ जाएगा। मज़ो नहीं किए नहीं तो महरीन तव्हां ठाही आहे, तव्हां माशाल्लाह हर शइ ॾाढी टेस्टी ऐं ॾाढी लज़ीज़ ठाहींदा आहियो माशाल्लाह सां। कलर केॾो नाज़रीन सुठो थो लॻे सब्ज़ियुनि जो, कीरो टमाटर सावा मिर्च ऐं हीअ छा आहे सलाद, सलाद त अक्सर करे हीअ बर्गर में ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं बर्गर में माण्हू शामिलु कंदो आहे हिननि खे, मां त ॾाढा शौक़ सां खाईंदी आहियां। अच्छा अब हमारा इसका हो गया है काम, हम यहां से ये हटा देते हैं। ठीक है चटनी हो गई हमारी तैयार। अब मैं आपको जो है ना एक नई बात ये बताऊंगी कि अब हम इसको चिकन को जो है ना हमने इसकी आंच हल्की करनी है, सही, और ये हमारी हो गई ऑलमोस्ट चिकन तैयार, रेडी हो गई है। अच्छा चिकन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, वो है उसको निकालेंगे। अच्छा हमें चाहिए है ना चाहिए डिश। अच्छा मैं अब आपको ये बता रही थी कि मैं ये चिकन निकालूंगी और ये इसको थोड़ा सा बेक करूंगी। अच्छा ये पेपर अभी है, ये हमारी है अवन चिकन, थोड़ा सा हल्का सा इसका वो है प्रोसीजर,
अगर अवन नहीं है किसी के पास, अवन नहीं है ना, आप चिकन निकालें, चिकन को निकाल के आपके पास तवा है, तवे में हल्का सा घी डालें और उसको दोनों साइड से सेक लें, ठीक है। और जब आप उसको सेक लेंगे ना, तामुखा सवाल करना हो मेरी के लिए तंग क्या हाबिनी साइड का ऑयल हणी हल्की बाय ते उनके सेकियो तो सागो ही टेस्ट अची वो जी अवन में चिकन अस कूँ था। वाओ अच्छी तो तकरीबन इन में भी वही पक्त गई है तकरीबन। जैसे वो यखनी मिलती है ना बाहर है ना, वाह 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 अच्छा तो धुआं था अचन जी। नाजरीन तो कैफे सिंध असो प्रोग्राम हमेशा जी आज भी ढो जबरदस्त हो माशाला से ढी सुी रेसिपी ठे थी असने प्रोग्राम में। मैं उम्मीद थी क्या तसंदा हूँ कुछ न कुछ सीखा हूँ सीखण का पाँचे घर में तुम जरूर ट्राई कंदा, पाँच फैमिली के खाराइंदा, पाँच दोस्तन के रिश्तेदार से ही पाँच रेसिपी जरूर शेयर कजो अस फीडबैक जरूर दीजो। अच्छा अब हम जो है ना इसमें ना एक काम हम ये करेंगे कि थोड़ा सा ना हम एक सॉस बनाएंगे। अच्छा। और उस सॉस को जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा। उससे जो है ना इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि क्या हम चाहिए ना थोड़ा सा रंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे जर्दे जो रंग जर्दे का रंग लेंगे। अच्छा। उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, जर्दे जो रंग में थोड़ा गाढ़ा मिर्च, लाल मिर्च। अच्छा ठीक है, ये समझो यख नहीं आज। और ये हमारे जाएगी हल्की सी सिनेमन पाउडर, ये हमारी इलायची पाउडर, सही है। अब हम इसको नरम कॉटन जो पाउडर, हाँ अब हम इसमें अपना थोड़ा सा डालेंगे घी, थोड़ा घी डाल दो। इन्हें से थोड़ी चमक भी अच्छी आएगी चिकन में, है ना जी। इसमें थोड़ा वो आ जाएगी शाइन। और इसमें हम ना उसके लिए, और अगर आपको और कुछ थोड़ा और फ्लेवर चाहिए तो आप उसमें ना वो डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिर्ची यहाँ पे डाली है तो मैं मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी होगा इसके ऊपर डालने के लिए। देखें कलर ही बदल गया, जैसे गोरे हो जाते हैं ना वैसे ये देखें चिकन कैसी हो गई, जबरदस्त सुर्ख सुर्ख हो गई, खूबसूरत ही वही असानी चिकन छा याद कंदी ना मुझे सोनो न ठायो है ना। हाँ। हमने चिकन को भी खूबसूरत बना दिया, ये रही मेरी जा कमाल, ये है कुकिंग टेक्निक्स। अच्छा मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि जब भी किसी रेसिपी में आपके पास कोई चीज नहीं हो तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढे, वो होता है शेफ कि भाई आपने उसको किस तरह से उस चीज को करना है। अब आपके पास नहीं है भाई, अब जैसे अच्छा, मैं करूं बिल्कुल बिल्कुल मैं सीख जाऊं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी ही जो को असन जो अगर थोड़ थोड़ किरी पेवा था लेकिन ना कोना है चिकन जा ही सुठे तरीके सा असन इनके लगाएं था। वाओ मां भी मेरे से गड रही रही सीखी वेना, ये घर वाला मुझे भी खुश थी वेंदा मेरे मुझे बोलते काम चोर आप बना के खिलाया करें ना। कोशिश करती हूँ पर आपकी तरह नहीं बना सकती ना जितनी आप जबरदस्त चीजें बनाती हैं। नहीं नहीं यार मैं ये नहीं मान सकती सच्ची में, सच्ची में मैं बताऊँ आपको कि हर कोई ना अगर आपने बस दिल से बनाया ना तो वो चीज एक दफा गलत बनेगी दूसरी दफा गलत बनेगी, लेकिन दिल वाली शयूं दिल वाली गालियों हमेशा ही तो गलत साबित थी यार। दिल लगाना नहीं है पकाना है, लगाने में तो वाकई बेड़ा गर्क हो जाता है, लगाना नहीं ना गाल गाल मुनी दिल ना लगाएं खपे बस मसलो यो आ दिल लगाएं ना पांजे पाना सा जुल्म करना। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे है 3-3.5 कप चावल, हाँ सर हम चावल था शामिल किए हूँ जिके ऐसा भिजाए करे रखा हुआ से, ये तकरीबन मैंने ये सेला चावल है और मैंने एक घंटा तकरीबन इसको भिगोया था, सही है। अब इसका एक्सेस पानी में नहीं डालना चाह रही हूँ इसलिए मैंने हाथ से इसको डाल दिया था, ये रिमूव करके तुम पानी में, हाँ पानी में ठीक है जी जरूरी है ना थोड़ी हेल्प करे। वाह वाह आसमा किया मसाला लगाया है ना,
बता ना मुझे मसाला लगाने में मैं होशियार हूँ। गाल समझ में आई क्या कम कड़े छिड़े हो। चावल भी भिजास? हाँ चावल आप जो है पानी के बगैर इसको डाल दें। पानी तो मैंने निकाल दिया ना। ठीक है अच्छा ये हम थोड़ी देर रखेंगे क्योंकि हमारी चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट आधी बनी हुई है। अच्छा और चावल हम इसमें जो हमारी यखनी है उसके हिसाब से अगर आपको लगे कि इसमें और पानी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। अच्छा अंदाजन अगर तांके लगे तो दवा के चावल कच्चा ना थे पानी घटा तो तावे जी सको था वरना चावलों का जो होता है ना जितने चावल हैं उतना ही पानी होना चाहिए। हाँ। अगर 3 कप चावल हैं तो 3 कप पानी होना चाहिए पुलाव टाइप में जब आप बना रहे होते हैं वरना तो जैसे 1 कप चावल हैं तो 2 कप पानी जाता है इसका ना नाप होता है। और जो सबसे बड़ी टेक्निक होती है ना जो आप जब भी पुलाव बना रहे होते हैं उसके चावल आपके नहीं बैठने चाहिए वो जबरदस्त टेक्निक होनी चाहिए आपकी। सही मेरे ख्याल से पानी जाएगा इसमें है ना। हाँ थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी थोड़ो वेंदो पानी ऐसा विजंदासी तकरीबन पा या कुछ ये 2 कप और डाल दिया हमने। सही है अब इसमें हम नमक चेक कर लेंगे ताकि हमारा चिकन असांजी पची वही हुई तकरीबन बस थोड़ी उनके असां थोड़ी देर लेवन में रखो है जी एकड़ो कड़क टाइप शाइन अचण के लिए तो जी रोस्ट वगैरह ये थी वे तो इन सा ढी सुी चिकन तैयार थी वी इन जगह अस थोड़ी देर के लिए रखी है ओवन में। चावर जो मसालो घट वध मेरी चेक कर रही है तो लूण घटा वधा उन हिसाब से घटा या वधा हम इसमें डालेंगे ताकि थोड़ा और जायकेदार हो जाए। जी मेरिन कहाँ तक पहुंची? जी देखें आसमा ये हमारे राइस तैयार हैं बिल्कुल। अच्छा ये हम इधर निकालते हैं। हाँ अच्छा जी ही था स्क्रीन पे इसी सक होता राइस किरा जबरदस्त माशाल्लाह खुशबूदार तैयार थी वया है माशाल्लाह माशाल्लाह ऐ सावा मिर्च जने साबित हो जन ना ओ माय गॉड। अच्छा देखें अब आपने इसको निकालना है। अच्छा ये मैं बिल्कुल सऊदीया में पहुंची हूं। हां मैंने इसको बिल्कुल इस थाल में निकाला है क्योंकि वहां पे ये एक थाल में निकाला जाता है और पूरी फैमिली बैठ के उसको एंजॉय करती है। असान जी भी केटीएन फैमिली आए हैं सब केटीएन का घर बाती मिली करे असन थाल के जो असन खाइंदा सी एंजॉय करंदा सी सो माशाल्लाह सा डाढ़ी जबरदस्त खुशबू अचे थी अल्हम्दुलिल्लाह डाढ़ा जायकेदार ही असान जा राइस तैयार थी आयन ए चिकन भी ऑलमोस्ट डन है माशाल्लाह सा तो ये रेसिपी अज जी असन सेखारी सी तवा के किए लगी तवा फीडबैक दींदा अस जरूर बुधाईंदा ये रेसिपी पानी घर में भी जरूर ट्राई कजो ए बुधाइजो जैसे तवा तैयार कई तो तवा के ये किए लगे ए तवानी तैयार थी। अच्छा ये हमारे चावल हम रहने देंगे अभी। अच्छा इसमें अब हम हमारी जो है मुझे वो जाएगी चिकन। अच्छी चिकन जो हमने अपनी ओवन में रखी थी वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा बिल्कुल तैयार आ ही जगह था ओवन में चिकन रखी सी। वाओ ये आ गई जी हमारी चिकन। चिकन चिकन देखो कितनी सुठे तरीके से तैयार किया है। ओहो देखिए हमने इसका जो कलर लगाया था उससे कैसा जबरदस्त कलर आया है जर्दी यार जो कलर लगाया उसी ना ओ माय गॉड माशाल्लाह माशाल्लाह गरम है नहीं ये मैं पेपर सही मैंने कहा फिर आसमाने बोलना हाय मैं जल गई हाय अल्लाह मां सड़ी गई जी तो बिल्कुल असानी रेसिपी तैयार आहे राडी जबरदस्त तो महरीन के मां चवंदस असान प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी चुको है असान नाजरीन के लास्ट में जी हुए रेसिपी रिपीट कंदी है लास्ट में भी जल्दी जल्दी से रिपीट करे तो जी तुम अगर शुरुआत में ना ऐसी सकता तो ये प्रोग्राम एंड में ऐसो ही असा रेसिपी किए ठाई है यह तुम नोट कर सको जी महरीन। अच्छा इस रेसिपी के साथ हमने ऊपर से थोड़े से बादाम और काजू और वो ले लिए अखरोट क्योंकि सर्दियों में आपको पता है मेवा खाना चाहिए थोड़ा आपको सर्दी कम लगती है और ऊपर से मैंने इसके साथ
धनिया मैंने डाल दिया ताकि ये अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। और हमारी है जी टमाटर की चटनी। ये चाहिए आपको पता? नहीं पता नहीं चाहिए। हमारी जो भी चीज़ थी वो हमने इसमें डाल दी। अच्छा अब हम इसमें बता देंगे आपको जल्दी जल्दी अरेबियन खाबसा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1 किलो चिकन स्किन के साथ, चिकन को 2 हिस्सों में कर लें। और उसके बाद आपको चाहिए 3 कप चावल, उसके साथ हमें चाहिए है 3 से 4 टमाटर की पेस्ट, 1/2 कप घी, और 1 हमारे पास बड़ी प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था। उसके साथ हमें खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ता, 10 लौंगें और इलायची अगर नहीं है तो आप इलायची पाउडर हमने डाला था वो चल जाएगा। उसके साथ धनिया पाउडर हमने डाला था 3 टेबलस्पून, ज़ीरा हमने साबुत लिया था 1 खाने का आधा चाय का चमचा, और हल्दी हमने डाली थी 1/2 चाय का चमचा, लाल मिर्च हमने डाली थी 1 चाय का चमचा, और उसके साथ हमारा था अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे हमने तकरीबन डाले थे। ठीक है, ये हमने यखनी जब हमने घी लिया उसमें प्याज डाली, प्याज डाल के हमने उसको अच्छा सुर्ख कर लिया खड़े मसाले के साथ। फिर हमने अपनी चिकन टमाटो प्यूरी डाल दी, उसमें सारे मसाले ऐड किए, चिकन डाली उसमें, चिकन को हमने भून लिया, पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर उसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाला और चिकन को गला लिया, हाफ डन कर लिया। उसके बाद हमने जब चिकन निकाली उसको डिश आउट करके बेक किया। अगर आप बेक नहीं कर सकते हैं तो आपने तवे पे बिल्कुल इस तरह इसको दोनों साइड से घी लगा के रोस्ट करना, या इसको कढ़ाई जैसे होती है हल्का सा इसको थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लें, ठीक है वो भी चलेगा। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई, कम तेल में, ठीक है घी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इसके ऊपर मसाला बना के डाला था कलर लगा के, उसमें मैंने टमाटो केचप नहीं डाली थी, लाल मिर्च नमक और जर्दे का रंग, ये बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा जर्दे का रंग अच्छा होगा, मिक्स करके इसके ऊपर डाल दें और ये ऐसे ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। टमाटर की चटनी की भी बता दूँ आसमान? हाँ बिल्कुल, बुधाई? हाँ बुधाई छिड़ो, बुधाई छिड़ो। अच्छा अब हमारे टमाटर की चटनी के लिए हमने तकरीबन 3 टमाटो लिए, उसमें प्याज, हरी मिर्च और ज़ीरा साबुत, नमक और हमने डाला था धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है वो डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लिया आपकी, और नमक भी डाला था और वो हो गया तैयार। बड़ा मजा आया आज का प्रोग्राम, अभी तो खाया ही नहीं है, ये तो खाया ही नहीं है, खाएंगे तो मजा आएगा, खाइंदासी आई खाएं खांबो असा नेक्स्ट संडे दे ताई उदाईंदासी नहीं असा ने प्रोग्राम किए रहो। सो थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया, इंशाल्लाह इहा ही जबरदस्त रेसिपी एड़ी का सुठी रेसिपी असा ने नेक्स्ट प्रोग्राम में ताई ठाण सिखांदासी। असा ने प्रोग्राम में वक्त खत्म थी चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आचर जे नी जबरदस्त रेसिपी से हाजिर थींदासीं, तेसी ताईं मूंखे ऐं शेफ महरीन खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।